Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार ये सब सारे पुराने साथी हैं हमारे। आज कितने रह गया? आ जाओ, एक घंटे देर में डालना पड़ेगा। देर में मैं आ जाओ ठीक है। आ जाओ मैं तो 20 साल से साथ में हूं, साथ ही चलूंगा जी। आओ हमारे पुराने साथी स्वर्गीय सरदार जसविंदर सिंह जी, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर के आखिरी समय तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले दिनों में कुछ इस किस्म के हालात बने, कुछ हमारे साथी विचलित हो गए थे और उन्हें जिन लोगों ने उनमें भ्रम पैदा किया, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वो कौन व्यक्ति है जो आज भी इस प्रयास में लगा रहता है कि कोई भी हमारा साथी, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से था, वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। विशेष रूप से गगन संधु जी जो है, जो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए थे, आज फिर इन्होंने दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नए सिरे से शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। मैं इनका स्वागत करता हूं, मैं भी नहीं बल्कि पूरी पार्टी फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज अकेले नहीं, सैकड़ों साथी आज जो आपके बीच में बैठे हैं, ये सब साथी जो हैं, कोई कांग्रेस छोड़ करके, कोई बीजेपी और जसपा छोड़ करके, आज फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। सभी पदाधिकारीगण, हरियाणा प्रदेश मेरे साथ आए हुए सभी मेरे सीनियर और मेरे युवा साथी, सभी कार्यकर्ता साथी और मीडिया का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं चौधरी अभय सिंह प्रदा जी, किसान रतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करके जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं करते हैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बहुत ही कम नेता होते हैं जो अपनी जुबान पे खड़े उतरते हैं। चौधरी अभय सिंह प्रदा जी अपनी जुबान से जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके सामने इन्होंने 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तीफा देने की बात कही थी और
जब तीन काले कानून वापस ना हुए तो इन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर यह साबित कर दिया कि वो किसानों के हितैषी हैं और चौधरी देवी लाल जी के असली वारिस हैं, और इनसे यही बर्बाद होकर कि किसानों के इस संघर्ष में मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, और मैंने इसलिए घर वापसी करके चौधरी अभिषेक कटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के संघर्ष में लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोबारा अभिषेक कटाला जी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कि मुझे यहाँ बुलाकर उन्होंने पार्टी में शामिल किया और मानसिक कर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।